बरेली विकास प्राधिकरण ने स्मैक तस्कर नन्हे उर्फ लंगड़ा के खिलाफ अवैध निर्माण के संबंध में कार्रवाई की है। दरअसल बीते दिन अवैध निर्माण के संबंध में बीडीए ने कार्रवाई करते हुए नन्हे उर्फ लंगड़ा के बैंकेट हॉल को गिराने का काम शुरू किया था। जानकारी के मुताबिक कई जेसीबी मशीन लगाई गई थी। आज इसी क्रम में फिर एक बार बीडीए ने जेसीबी मशीन लगाकर बैंकेट हॉल को गिराने का काम शुरू कर दिया है। वहीं कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में फोर्स को तैनात किया गया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले नन्हे उर्फ लंगड़ा के पास से 270 ग्राम स्मैक बरामद हुई थी। माना यह जा रहा था कि अगर स्मैक तस्कर के ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी तो जिले में बड़ रही घटनाओं पर अंकुश लगाना मुश्किल होगा। वहीं फरीदपुर के प्रसिद्ध स्मैक तस्कर तैमूर ने दिल्ली में जाकर अपनी गिरफ्तारी दे दी है। दरअसल तैमूर पर 1 लाख रुपए का इनाम दिल्ली पुलिस ने लगा रखा है। वहीं बरेली पुलिस भी उसे सख्ती से ढूंढने का काम कर रही थी, जिसके चलते उसने दिल्ली में अपनी गिरफ्तारी दे दी है।